The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can lose. Each pain. Hi guys! So, aaj hum log abhi hai Palolem Beach mein, which is in Kanakona area. तो आज हम लोग ये पूरा कानाकोना एरिया एक्सप्लोर करेंगे. यहाँ पे और एक दो अच्छे बीचेस हैं, विल शो यू. तो बेसिकली ऑलमोस्ट हम लोग अभी गोवा में 3 महीना हो गया है एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलर अनपॉपुलर हिडन ऑल द बीचेस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आर लास्ट वीडियो ऑन स्पेसिफिकली बीचेस. तो ये बस एक एरिया कानाकोना एरिया हमारा बाकी रह गया था. तो हमने सोचा दिस इज़ वेरी फेमस, मतलब फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन मुंबई जो मतलब बहुत हाइप्ड अप करते हैं पालोलेम बीच को. एंड आई कैन सी व्हाई दिस बीच हैज रियली लिव्ड अप टू इट्स रेपुटेशन. हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सुंदर चीज़ें देख लिया है, बहुत हिडन बहुत ब्यूटीफुल बीचेस भी गोवा में देखा एंड वी थॉट कि और क्या हमको इम्प्रेस कर सकता है. एट द मोमेंट वी लैंडेड हियर द फर्स्ट थिंग आई सेड टू रोजा कि रोजा ये तो लंकावी जैसा दिख रहा है. तो ये बीच पूरा मलेशिया लंकावी वहाँ का वाइब दे रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली अभी उतना धूप नहीं है. आई एम श्योर धूप थोड़ा ज़्यादा होता तो वाटर और भी ज़्यादा ग्रीन एंड और ब्लू दिखता. बट स्टिल इन दिस वेदर दिस इज परफेक्ट फॉर मी टू एंजॉय द बीच. मैं वही बोलने वाला था कि रोजा आपको बोल रही है कि मतलब ऐसे धूप होता तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, बट द मोमेंट यहाँ पे धूप आ जाएगा ना तो छाता निकाल के वैसे भागेगी इधर उधर, कहाँ पे मैं छुपूँ कहाँ से. बट लेकिन दिस इज अ परफेक्ट, अभी मुझे भी ये परफेक्ट लग रहा है कि ज़्यादा धूप नहीं है. वाटर का कलर सो डैम ब्यूटीफुल है, मेस्मराइजिंग. और उसका ये क्यों सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पता है तुमको? जो लाइन में कोकोनट ट्रीज हैं और वो जो छोटा छोटा आइलैंड है एंड दैट इज वेयर आई थॉट क्यों ये तो मेरे को वही पूरा लंकावी वाला फीलिंग दे रहा है क्योंकि आइलैंड और जो समंदर साथ में होता है ना इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल ऑलवेज. Each time of year carries memories like a never fading whisper in the breeze. क्या रोजा लगून भी दिख रहा है यहाँ पे? हाँ लगून है बट आई थिंक इट्स वेरी डीप और कोई नहा नहीं रहे हैं सो आई एम नॉट श्योर. नहीं तो तुम बहुत चले जाते क्या? हाँ हम गए थे ना कोला लगून गए थे और वो स्वीट लेक आरंबोल वाला सब में मैं ही घुसा था रोजा. हाँ मैं भी अंदर थोड़ा थोड़ा ही थी. आई कैन नॉट बिलीव माय सेल्फ मैं वीगन खाने आया. तो इट्स वेरी पॉपुलर इन पालोलेम एरिया, इट्स कॉल्ड द मिल. और अभी मैंने अपने लिए ये टोस्ट मंगाया है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी ग्रेन ब्रेड मैंगो चटनी पाइनएप्पल एग लॉट ऑफ थिंग्स. सो I don't like that. इसका बहुत अच्छा रिव्यू है सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई द फूड. आज कटेगा कि कट गया. गाइस मैंने भी वीगन मंगाया है बट मेरा आइटम और भी इंटरेस्टिंग है. मेरा आइटम है अबुजिन फिश एंड चिप्स और उसके साथ क्या है पोटैटो केचप. मतलब बैगुनी ना बैंगन भाजी. बैंगन भाजी नहीं बैंगन फ्राई. बैंगन का भजिया बैंगन पकौड़ा. ये बैंगन पकौड़ा बट बियर बैटर. ओके ये तो मैं भी घर में बना लेती यार बैंगन पकौड़ा. हाउ इज द बैंगन पकौड़ा? रॉ मुझे लग रहा है रॉ होगा.
को बोलो थोड़ा रॉ है। हाँ मना किया था मैंने, मैंने मना किया था बैंगन मत खाओ। सो गाइस बैंगन दो बार मेरा फ्राई होके आ गया, आई डिड नॉट लाइक इट। तो अभी आई एम ऑन डेजर्ट, ये है लैमिंगटन, अभी ट्राई करता हूँ कुछ तो अच्छा मिले मुझे यार। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, वाओ फाइनली द बेस्ट आइटम। डेजर्ट अगर अच्छा हो गया तो आई विल फॉरगिव देम। It slowly crawls with each new one starting. I recall. So guys, मेरा वो sad वाला बैंगन वाला जो incident हुआ उसके बाद हम लोग अभी आए हैं पातनेम बीच। ये नज़दीक है, बहुत नज़दीक है पालोलेम से और कोई भी नहीं है। अभी भारी दोपहर में आ गए हम लोग तो ऑब्वियसली कोई नहीं है। पालोलेम में कितना भीड़ था देखा? पालोलेम हम लोग बहुत टाइम पहले गए थे। क्या आप एक घंटे पहले ही तो थे वहाँ पे? बट वो वेदर भी अच्छा था। अभी इतना धूप आ गया है एंड द गुड थिंग इज द बीच एंड द वाटर इज लुकिंग मार्वेलस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गोवा को शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इतने अच्छे अच्छे और इतने ब्लू ग्रीन बीचेस है हमारे पास। I really can't believe this. It's serene. Like it's insane. मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो बीचेस हम लोग गए हैं अभी तक वो सब हम लोग ज़्यादा वो बारिश के टाइम पे गए हैं और आज बहुत अच्छा वेदर मैं बोलूँगा कि वो वाला था पालोलेम वाला। ये अभी रोजा जैसे छाता तो निकाल के वो घूम रही थी बस वीडियो के लिए, वो अभी बोल रही है कि मेरे को ट्रोल कर रहे होगे क्या। मैंने बोला हाँ करेंगे ना। बट ये बीच बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये इसके बाद कहाँ जाने वाले हम लोग? इसके बाद गलगी लगा। हाँ शायद और दो कुछ है, एक दो बीच है बीच में। आई थिंक ये वीडियो में ही हम लोग अभी एंड वाला बीच तक चले जाएंगे एंड उसके बाद शायद हमारा सारा बीच खत्म हो जाएगा। सो गाइस पातनेम बीच के बाद हम लोग आ गए हैं राजबाग बीच जो भी नज़दीक ही है पातनेम से। बट इसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यू विल बी गोइंग थ्रू ललित होटल और यहाँ पे जो रिजॉर्ट है उसके प्रॉपर्टी के अंदर से ही वो रास्ता है। तो जैसे आप आएंगे तो यू विल बी लाइक कि वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट। वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है उसका जो प्रॉपर्टी, उसके अंदर से ही वो रास्ता है विच इज़ लाइक पब्लिक रोड उन्होंने बनाया है। दिस इज़ अ पब्लिक बीच और उनके जो गोल्फ कोर्स है उसके अंदर से आप गाड़ी चलाते हुए आओगे तो इट लुक्स रियली स्टनिंग और बीच भी बहुत अच्छा है। ये जो पालोलेम और पातनेम देखा उसमें से ये वाला जो राजबाग है, राजबाग का जो सैंड क्वालिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा और ये थोड़ा लगून टाइप का भी बीच है। तो आप थोड़ा अभी वॉक करते करते उस साइड में जाके आपको लगून भी दिख जाएगा। तो रिया बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बीच में आके। अभी रोजा उधर धूप से बचने के लिए बैठी हुई है। सो वी विल एंजॉय फॉर सम टाइम एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे गालगी वागा। क्या ये छोटा लगून है, इतना धूप हो रहा है लाइक सो सनी, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज नॉट अ लगून, लगून आगे है। अच्छा वाला लगून है, इतना दूर में चला नहीं बट है लगून दिख रहा है मुझे। अच्छा वाला है, दिस इज लाइक किडी पूल। विद ईच न्यू वन स्टार्टिंग आई रिकॉल। अभी हम लोग आ गए हैं इस वीडियो और इस एरिया का लास्ट बीच में जो कि है
गालगी बागा बीच, ये टर्टल नेस्टिंग साइट है एंड अनफॉर्चुनेटली अभी दोपहर के टाइम में आई डोंट थिंक कोई टर्टल दिखेगा, अभी भी उनका टाइम नहीं है शायद। हाँ अभी वैसे नहीं, अभी टाइम है आई गेस, रेनी सीजन इज द टाइम, वो खत्म हो गया, एक हैचिंग टाइम अगस्त तक था, अगस्त तक था। एनीवेज वैसे भी नहीं दिखता ये दोपहर के टाइम में, बट दिस स्पीड लुकिंग स्टनिंग, आई एम रियली लॉस्ट फॉर वर्ड्स, आई थिंक गूगल करके आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बीचेस है एंड आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग। पर यहाँ पे ये ना थोड़ा, ये थोड़ा डीप है, जो बीच थोड़ा सा डीप है, तो अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट ये जो ट्रीज है इसको क्या बोलते हैं, ट्रीज पाइन टाइप का, पाइन टाइप का ये जो भी ट्री है मुझे नहीं पता, दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे रॉक्स भी काफी अच्छा चाहिए, देखिए कितना अच्छा सा एक हार्ट शेप, हार्ट शेप एंड पूरा व्हाइट रॉक मुझे मिला। चलो अच्छा है, कुछ तो हार्ट शेप दिखा जो हार्ट शेप है। हाँ हार्ट शेप लेक के तलाश में गए थे हम लोग, वो तो नहीं दिखा, एटलीस्ट रॉक मिल गया। अभी उधर एक लगून है, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट लगून, लेट्स गो। रोजा इधर देखो, एक छोटा आइलैंड है, जाना है क्या? जा सकते हैं, ये लगून साइड तो है पूरा, पूरा इस साइड का लगून है पूरा यहाँ पे। रोजा एक चीज बताओ, ये देख के तुमको क्या, कौन सा बीच रिमाइंड हो रहा है? पूरा बेतुल, बेतुल, पूरा बेतुल का फील आ रहा है ना, कितना बढ़िया। क्रॉस कर सकते हैं क्या? ये देखते हैं, छोटा सा क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, और उस साइड में एक छोटा सा आइलैंड जैसा ही बन गया है ड्यू टू दिस बैक वाटर। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना क्लीन वाटर है। ओ so, कैसा लगा? अरे वाह, ये तो पूरा छोटा आइलैंड है, दिखा दो आइलैंड बस इतना सही है पैच। क्यूट सा डॉगी है इधर, किधर? ये है डॉगी। तो क्या कर रहे हैं? तो मछली पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, मछली वहाँ एक लकड़ी है तो उसके साथ खेल रहा है। अच्छा, फैड़ी, क्या चीज है। वाह यहाँ से व्यू कितना अच्छा है ना। लकड़ी लेके आ गया, तो ये था हमारा कानाकोना एरिया एक्सप्लोरेशन वीडियो। ओवरऑल वी रियली लव्ड ऑल ऑफ द बीचेस, टेक्निकली तो ये सब सारे बीचेस कनेक्टेड ही है, मतलब अगर आप लैंड पे या फिर बीच के ऊपर चल के आएंगे तो दीज आर लाइक, फर्स्ट आपको आएगा पालोलेम, फिर बतनेम, फिर राजबाग एंड फिर ये गालगीबागा, ऐसे कनेक्टेड ही है। कनेक्टेड क्या, बीच बीच में सब पहाड़ है यार। हाँ, बीच बीच में पहाड़ है, मतलब बीच बीच के ऊपर से आप तैर के आ सकते हैं, तैर के आ सकते हैं, बोट से आ सकते हैं, बट अदरवाइज लैंड से जैसे हम लोग आए वैसे आएंगे। ओवरऑल रियली रियली लव दिस प्लेस एंड इनफैक्ट हम लोग, मैंने तो बहुत सुना था पहले पालोलेम बीच के बारे में एंड आई एम ग्लैड इट लिव्ड अप टू इट्स रेपुटेशन। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे, आई विल डेफिनेटली स्टे इन दिस प्लेस, क्योंकि ये थोड़ा वैसा कोजी भी है, प्लस बीचेस आर ऑल्सो नाइस, प्लस थोड़ा फ्रेंडली वाइब भी दे रहा है, सो ओवरऑल ए वेरी बिग थम्स अप टू ऑल द बीचेस। होप यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियोज, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन है टू शेयर अबाउट दीज बीचेस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। Time of year carries memories like you never fade.